हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर ये पीसीएस का जो मेंस का 2020 में फिजिक्स का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन मैं डालने जा रही हूँ मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन ल्यूमिनोसिटी ऑफ रिजल स्टार इन और सेवनटीन थाउजेंड टाइम्स ऑफ सन यानी ल्यूमिनोसिटी जो है रिजल स्टार की कितनी गिवन है सत्रह टाइम्स सन से अगर आपको सरफेस टेम्परेचर सन का पता है सिक्स थाउजेंड कैलविन तो आपको किसका कैलकुलेट करना है स्टार का वी नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू स्टीफन लो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू पावर फोर और यू कैन सी एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा इन टू टी रेस टू पावर फोर वेयर सिग्मा क्या है स्टीफन पोस्टेड ये बेसिकली क्या है ल्यूमिनोसिटी ही है ई आर बाई ई एस क्या हो गया सिग्मा टी आर रेस टू पावर फोर डिवाइडेड बाई टी एस रेस टू पावर फोर सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट यानी किस पर डिपेंड करी है टी आर बाई टी एस रेज टू पावर फोर ई आर क्या गिवन है आपको सेवनटीन थाउजेंड ई ई एस है यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई सेवनटीन थाउजेंड ई ई एस डिवाइड बाई ई एस दैट इज इक्वल टू टी आर डिवाइडेड बाई सन का टेम्परेचर जो कि टी एस है वो गिवन है सिक्स थाउजेंड रेज टू पावर फोर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं ई एस ई एस कैंसल आउट हो रहा है और यू कैन से टी एस बाई टी सॉरी टी आर बाई सिक्स थाउजेंड इज इक्वल टू सेवनटीन थाउजेंड रेज टू पावर वन बाई फोर जब मैंने इसको सोल्व किया इट इज़ कमिंग आउट टू बी एलेवन पॉइंट फोर्टी वन और यू कैन सी टी आर इज इक्वल टू सिक्स थाउजेंड इं इलेवन पॉइंट फोर वन दैट इज इक्वल टू सिक्स एट फाइव वन टू कैल तो आपके पास ये आंसर आ रहा है जस्ट आपने स्टीफन स्लो लगाया है किसी एक का टेम्परेचर गिवन है तो आप सेकेंड का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था रिवर्सिबल इंजन है जो काम कर रहा है दो टेम्परेचर के बीच में जिनका टेम्परेचर डिफरेंस है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इफ़ इट इज एब्जॉर्व सेवन फोर सिक्स चूलो फीट फ्राम सोर्स सोर्स से इसने सेवन फोर्टी सिक्स चूलो फीट एब्जॉर्व कर ली है एंड गिवस फाइव फोर्टी सिक्स चूलो फीट एड टू सिंक इसने जो है सोर्स से सेवन फोर्टी सिक्स चूल एब्जॉर्व की और फाइव फोर्टी सिक्स चूल किस को दी सिंक को दी कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ़ दोर्स एंड द सिंक आपको कैलकुलेट करना है सोर्स का टेम्परेचर सिंक का टेम्परेचर देखिए क्या होता है क्यू वन बाई टी वन इज इक्वल टू क्यू टू बाई टी टू ये क्यू बाई टी आपकी कॉन्स्टेंट होती है टी वन माइनस टी टू आपको क्या गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस क्यू वन क्या गिवन है 746 फोर्टी सिक्स क्यूल क्यू टू गिवन है 546 फोर्टी सिक्स यानी ये हीट एब्जोर्ब है ये हीट रिजेक्टेड है यहाँ वैल्यूज सब्सिट्यूट कीजिए 746 फोर्टी सिक्स बाई टी वन दैट इज इक्वल टू फाइव फोर्टी सिक्स बाई टी टू और यू कैन से टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू सेवन सिक्स बाई फाइव फोर्टी सिक्स दैट टी वन इज इक्वल टू सेवन फोर्टी सिक्स बाई फाइव फोर्टी सिक्स इंटू टी टू यहाँ से सब्सटीट्यूट कीजिए टी वन क्या है सेवन फोर्टी सिक्स बाई फाइव फोर्टी सिक्स टी टू माइनस टी टू दैट इज इक्वल टू हंड्रेड यहाँ से क्या है सेवन फोर्टी सिक्स माइनस फाइव फोर्टी सिक्स बाई फाइव फोर्टी सिक्स इंटू टी टू इज इक्वल टू हंड्रेड और यू कैन सी टू हंड्रेड बाई फाइव फोर्टी सिक्स टी टू इज इक्वल टू हंड्रेड टी टू इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू फाइव फोर्टी सिक्स बाई टू हंड्रेड यू कैन से टी टू इज इक्वल टू टू थ्री डिग्री सेल्सियस दोनों का डिफरेंस क्या था टी वन माइनस टी टू था हंड्रेड यानी टी वन माइनस टू सेवनटी थ्री इज इक्वल टू हंड्रेड और यू कैन से टी वन इज इक्वल टू थ्री सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस तो दोनों टेम्परेचर आपके पास आ गए हैं आपको वहीं पता करने थे सोर्स का टेम्परेचर जो कि टी वन है सिंक का टेम्परेचर टी टू है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड फाइंड इट्स ग्रुप वेलोसिटी देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है नेट के एग्जाम में आता है ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे फेज वेलोसिटी होती है ओमेगा बाइक की दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी लैमडा गिवन है यहाँ से उमेगा की वैल्यू निकालिए ए प्लस बी लेमडा इंटू के क्या आ गई ए के प्लस बी के लेमडा की वैल्यू सब्सटीट्यूट के मैंने वी वे वेक्टर 2 k, के टर्म्स में टू पाई बाई के यानी कि इसे के कैंसिल आउट ए के प्लस टू पाई बाई टू पाई इंटू पी वीयर ग्रूप वलोस्टी क्या होती है डी ओमेगा बाई डी के दैट इज इक्वल टू ए दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा इंटू डी वी पी बाई डी लेमडा वी पी आपको गिवन थी वी वी है ए प्लस बी लेमडा डी वी बाई डी लेमडा क्या है बी यहाँ से क्या बन गया विज इज इक्वल टू वी माइनस लेमडा इंटू बी एज वी इज इक्वल टू ए प्लस बी लेमडा यहाँ से क्या आ गया वी की वैल्यू ए प्लस बी लेमडा माइनस बी लेमडा यानी बी लेमडा से बी लेमडा कॉन्स्टेंट ये भी क्या रही है विजे इज इक्वल टू ए इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैलकुलेट द मिनिमम थिकनेस ऑफ ए प्लेट विच कन्वर्ट्स प्लेन पोलराइज लाइट इंटू सर्कुलर पोलराइज लाइट म्यू नोट है वन पॉइंट फाइव थ्री म्यू है वन पॉइंट फाइव फोर लेमडा है फाइव एट नाइन जीरो एन तो अगर आपको चेंज करनी है प्लेन पोलराइज लाइट को सर्कुलरी पोलराइज लाइट में आप यूज़ करेंगे क्वार्टर वेव प्लेट थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है टी इज इक्वल टू तो लेमडा बाई फोर म्यू ई माइनस म्यू नोट लेमडा आपके पास गिवन थी सेंटीमीटर में निकाल सकते हो ये फाइव एट नाइन जीरो को आपने सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट किया वेव लेंथ को म्यू ई है आपका वन पॉइंट फाइव फोर माइनस वन पॉइंट फाइव थ्री इज इक्वल टू फाइव एट नाइन जीरो इंटू टेन टू माइनस एट सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई फोर इंटू जीरो पॉइंट जीरो वन यहाँ से आएगा फाइव एट नाइन जीरो फाइव फोर इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स सेंटीमीटर और ये वैल्यू आपके मीटर में आ रही है वन फोर सेवन टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस एट मीटर और यू कैन से 14.725 पॉइंट सेवन टू फाइव इंटू टेन एज टू पावर माइनस टेन मीटर ये आपके पास क्या है थिकनेस चाहिए जो कि क्वार्टर वे प्लेट का आपकी कन्वर्ट करेगी प्लेन पोलराइज लाइट को सर्कुलर पोलराइज लाइट में ओके okay? थैंक यू ये कंसेप्ट आपके जो हैं काफ़ी यूज़फुल है अपकमिंग एग्ज़ाम में एम फिज़िक्स के बेसिस पे जो देते हो सी एस का है आपका गेट का एग्ज़ाम है या बार का एग्ज़ाम कह लो काफ़ी यूज़फुल है ओके थैंक यू